लैपटॉप ब्लास्ट। एक व्यक्ति के पैर में चोट लगने की भी खबर। दमकल की 6 गाड़ियां और पुलिस मौजूद। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रोहिणी के कोर्ट रूम 102 में लैपटॉप ब्लास्ट। एक व्यक्ति के पैर में चोट लगने की खबर। दमकल की 6 गाड़ियां और पुलिस मौजूद। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रोहिणी के कोर्ट रूम 102 में लैपटॉप ब्लास्ट। एक व्यक्ति के पैर में चोट लगने की भी खबर सामने आ रही है। दमकल की 6 गाड़ियां और पुलिस मौजूद। लखनऊ में अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर प्रदर्शन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ में अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में होगा प्रदर्शन। SCERT कार्यालय पर होगा धरना प्रदर्शन। लखनऊ में अभ्यर्थी करेंगे धरना प्रदर्शन। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में ये करेंगे प्रदर्शन। SCERT कार्यालय पर होगा धरना प्रदर्शन। और इस खबर में मैं से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, काफी लंबे वक्त से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, आज एक बार फिर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, आरक्षण के पीड़ित हैं, और एक बार फिर से आज ये SIT कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। और अभी ये सभी जितने भी ये जो अभ्यर्थी हैं, ये गोमती रिवर फ्रंट के किनारे प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं, प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और इनकी मांग यही है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि जो आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं इस पूरी भर्ती के दौरान, जिसमें 27% जो OBC का आरक्षण था उसमें महज 3.86% और SC का जो 21% का आरक्षण था जो सिर्फ 16.6% यूज किया गया है, उसको लेकर का प्रदर्शन चल रहा है। और उसी को देखते हुए आज का भी इनका ये प्रदर्शन था। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू है, और उसी को देखते हुए अभी इनके प्रदर्शन और अभ्यर्थियों को गोमती रिवर फ्रंट के पास ही पुलिस ने रोक दिया है। जी नितिन, कितने वक्त से ये प्रदर्शन चल रहा है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर जो लंबा प्रदर्शन चल रहा है, इसको कितना वक्त हो गया है? देखिए, करीब 6 महीने हो रहे हैं इस प्रदर्शन को, 160 दिन से ज्यादा ये अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए आए हैं, और अभी भी इनका प्रदर्शन जो दस्तूर जारी। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ की बात अगर आपको शिखा बताएं तो एक महिला अभ्यर्थी जो है वो काफी करीब 3 महीने से पानी के टंकी पर बैठी हुई है राजधानी लखनऊ में ही, जहां पर जिसकी जानकारी लगभग सभी तक उसको किसी प्रकार से आश्वासन नहीं दिया गया है, ना वो टंकी से उतरी है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर ये अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी मार्च करते हैं। तो ऐसे में जो इनकी मांग है उन मांगों को लेकर लगातार ये सरकार के लिए समस्या बने हुए हैं, और सरकार ने भी कहीं ना कहीं कुछ रास्ते जरूर निकाले हैं इनकी भर्ती को पूरा करने के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि कितनी जल्दी उस पर फैसला लिया जाता है। जी, क्या सरकार द्वारा वार्ता की गई है या फिर सिर्फ ऐसे ही सहानुभूति दी जा रही है? सरकार की तरफ से वार्ता करी गई है, क्योंकि ये भर्ती पूरी करी जा चुकी है, 69,000 भर्ती पूरी हो चुकी है। जिन लोगों को इसमें पास किया गया है वो शायद वो इस वक्त नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनमें सभी मानकों का, सभी नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया गया, और उसी को देखते हुए इनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, और उसको देखते हुए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार से कोई भी संतुष्ट या संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जी, सरकार द्वारा आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है इसमें कब तक फैसला आ सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई फैसला आना मुश्किल है, हालांकि कुछ नियम, कुछ नए चीजों को लेकर के सरकार में वार्ता हुई है, और उसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई है, और कहा यह जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा और सारी चीजें बताई जाएंगी कि अब किस नियम के तहत और कैसे कैसे इस भर्ती प्रक्रिया में जो चीजें गड़बड़ हुई है उन्हें सही करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो बैठक कब होती है देखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन जुड़े थे। बुलंदशहर में दिखा रफ्तार का कहर।
बस में घुसी तेज रफ्तार कार। कार ने बस को पीछे से मारी टक्कर। खुर्जा नगर कोतवाली की घटना। बुलंदशहर में दिखा रफ्तार का कहर। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस में घुसी तेज रफ्तार कार। कार ने बस को पीछे से मारी टक्कर। खुर्जा नगर कोतवाली की घटना। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार पीछे से बस में घुस गई, इसके बाद ये भीषण हादसा हो गया। कार ने बस को पीछे से मारी टक्कर। खुर्जा नगर कोतवाली की बताई जा रही घटना। शहर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बस में टक्कर मारी है इस गाड़ी ने, और कार ने पीछे से टक्कर मारी है। खुर्जा नगर कोतवाली की यह घटना बताई जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवांग जुड़ चुके हैं। शिवांग, क्या है पूरा मामला, किस वक्त हुआ यह हादसा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है खुर्जा नगर के अंतर्गत का है, बुलंदशहर के खुर्जा नगर के अंतर्गत का, जहां पर यह हादसा हुआ है। इसमें एक कार थी जो प्राइवेट बस में सीधे जगह पीछे से टकरा गई है। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह का कोई बड़ा दुर्घटना जो है नहीं हुई है, और किसी को चोट नहीं आई है। जो ड्राइवर है वो सही सलामत जो है मौजूद है, बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकाला गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता शिवांग जुड़े थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कल से होगा शुरू जर्नल टिकटों का सफर। 10 ट्रेनों में जर्नल टिकट की होगी शुरुआत। टिकट पर 15 रुपए तक कम होगा खर्चा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कल से शुरू होगा जर्नल टिकटों का सफर। 10 ट्रेनों में जर्नल टिकट की होगी शुरुआत।